साथ हम बात करेंगे टेबुलेटेड एरियाज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि कंटिन्यूस हो, यानी जो कि एक इंटरवल के अंदर वैल्यूज को टेकअप करे, जिसकी वैल्यूज अनकाउंटेबल हों और उसकी कर्व यूं ड्रॉ हो के एक, अगर हम उसको बाइसेक्ट करें तो हमारे पास एक सिमेट्री बने। जैसे अगर आप ये देखें तो हमारे पास ये जो है ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो अगर इसका जो मीन होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन वैल्यू होती है, ठीक है, वो लाई करती है सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, सेंटर ऑफ द डेटा के ऊपर, ठीक है, दिस इज द म्यू। और यही मीन होता है, यही मीडियन होता है और यही मॉड होता है। एंड सेकंड थिंग कि अगर आप देखें इस लाइन के राइट हाफ या लेफ्ट हाफ ये क्या है, एक सिमेट्री है, ये लाइन कभी भी जो है वो टच नहीं करेगी एक्सेस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अगर कोई कर्व उनको मीट करती है तो वो एक नॉर्मल कर्व है या वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अब हमने जो इस लेक्चर में बात जेर बहस लेके आनी है वो ये है कि ये टेबुलेटेड एरियाज हम टेबल की मदद से, यानी हमारे पास जी टेबल्स गिवन है। अब व्हाट आर जी टेबल्स? जी टेबल्स बेसिकली हमें एरियाज अंडर द कर्व या प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने, यानी किसी इंटरवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। अब जी, अगर आप जी स्कोर की बात करते हैं, जी स्कोर किसके इक्वल होता है? x माइनस म्यू यानी पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन या चलें यूं कर लें, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा। चलें अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें, अगर हम कोई इस इंटरवल की यानी इस पॉइंट की बात करते हैं, नॉट एन इंटरवल, हम इस अगर इसके एक पॉइंट की बात करें और अगर ये पॉइंट है 1 सिग्मा, तो इसका मतलब है ये पॉइंट जो है वो अपने स्टैंडर्ड, अपने मीन स्कोर से 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव है। और इसी तरह अगर इस स्कोर की बात करें, इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो ये वो पॉइंट ऑन द कर्व है जो कि अपने मीन स्कोर से 1 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो है। इसी तरह से अगर आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशन पे चले जाएं, ठीक है, कोई पॉइंट होगा तो 2, 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन पे मौजूद हो सकता है। सो इट कुड बी एनी नंबर, कुछ -1.5 डिस्ट्रीब्यूशन पे हो सकता है। अगर ये -2 है तो ये -1.5 जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्टेंस पे मौजूद है। अब चूंकि हम ये बात जानते हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है उसमें 60 ऑलमोस्ट 68% डेटा जो है वो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव 1 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो होता है, ठीक है। और इसी तरह से आप जो है वो अगर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन चले जाते तो 99 पॉइंट, यानी अगर 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो अगर आप मूव करते तो 99.7% डेटा। अब ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो कि हमें हेल्प करेंगी कि हम किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थ्रू द टेबल्स, मैं अभी टेबल आपको शो करता हूं, हम एरियाज फाइंड आउट कर सकें। एरियाज का मतलब है कि हम प्रोबेबिलिटी, एरियाज या प्रोबेबिलिटीज द सेम स्टफ, यानी अगर मैं आपको यहां पे टेबल शो कर दूं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज के नाम से, ठीक है। ये टेबल है जिसके अंदर हम जो शेडेड पार्ट है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द कर्व, यही क्या है प्रोबेबिलिटी, यही क्या है प्रोबेबिलिटी फॉर जी, किसी भी जी की पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, जो कि हम किस तरह निकालते हैं, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो किसी भी जी स्कोर के लिए, जी वैल्यू के लिए दीज आर द कॉलम्स, ठीक है, ये कॉलम है और ये क्या है, ये बेसिकली रोज हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे -3.09 की वैल्यू देखनी है या -3.03 की वैल्यू देखनी है तो मैं -3 इस रो के अंदर आ जाऊंगा, ये -3 है मेरे पास, ठीक है, ये -3 है इसी रो के अंदर 0.03, बिकॉज -3.03 है तो कॉलम देखूंगा 0.03 वाला, 0.0012, ठीक है, 0.0012। इसका मतलब है अगर कोई रैंडम वेरिएबल x जो है वो यू नो -3 या -3 से लेस इंटरवल पे मौजूद है, यानी x कैपिटल X इज लेस और इक्वल टू -3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम इस इंटरवल की बात करें इसलिए हम लेस और इक्वल टू -3 की बात करें तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, या एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, 0.0012, या अगर हम इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज देखते तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डेसिमल फॉर्म में। इसी तरह से अगर, अब ये तो है फॉर, यानी जो शेडेड एरिया यही रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज बेसिकली द लेफ्ट केस। अगर आप देखें टेबल एंट्री फॉर z इज द एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व टू द लेफ्ट ऑफ z, टू द लेफ्ट ऑफ z, ठीक है, हमारे पास टू द राइट ऑफ z भी मौजूद होगा। अगर मैं थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो हमारे पास ग्राफ है टू द, ये भी टू द लेफ्ट है और हमारे पास टू द राइट भी होता है, यानी जिसमें ये वाला पार्ट जो है वो शेडेड होगा एंड दिस पार्ट जो है वो खाली होगा। हम इसको डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट केसेस अभी हम वापस स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं जिस जो हमें हेल्प करेंगे एरिया अंडर द कर्व किसी भी इंटरवल के दौरान जो दरमियान जो है फाइंड आउट करने में किस तरह से हेल्प करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम केसेस की बात करते हैं तो केस 1 हमारे पास हो सकता है जिसको मैं बोलूँगा लेफ्ट केस, जिसको मैं बोलूँगा लेफ्ट केस। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंड कर लें, चूंकि अब ये फिनोमेना इसलिए यानी ये प्रॉपर्टीज इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बड़ी मेजर प्रॉपर्टी क्या है कि एरिया अंडर द कर्व जो है टोटल एरिया अंडर द कर्व हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व जो है वो भी क्या है 1 है। तो लेफ्ट केस क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर अगर मुझे किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर्व जू गिवन हो, ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और लेट्स सपोज आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट दिस एरिया जो शेडेड एरिया है, ठीक है। चलें, ये शेडेड एरिया, मैं शेडेड एरिया की बात कर रहा हूँ जो कि बिकॉज ये मूव करती जाएगी माइनस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो मैं सपोज करूँगा कि अगर ये लेट्स सपोज माइनस इन्फिनिटी है और माइनस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जी की इस वैल्यू तक इससे लेसर अगर मैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास जी के अगेंस्ट वही जैसे मैंने टेबल में देखा जी के यानी जी विल बी माई एरिया जो या एरिया जो आएगा मेरे पास जी टेबल से वही फाइनल एरिया होगा। बट इन केस ऑफ राइट केस, ठीक है, यानी हमारे पास केस 2 क्या है RIGHT राइट केस। अब वो राइट केस क्या है? राइट केस बेसिकली बात करता है कि अगर मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो, किसी भी तरह का डेटा सेट हो जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैं अगर इस एरिया की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ जी या उससे ग्रेटर, ठीक है, इस वैल्यू ऑफ जी या उससे ग्रेटर की मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बेसिकली ये बात करना चाह रहा हूँ कि बाय जी से जो मैं वैल्यू देखूँगा मेरे पास ये एरिया आएगा, लेकिन मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया है वो दिस इज द ग्रीन पार्ट। इसका मतलब है टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है, तो 1 माइनस जो टेबल से मेरे पास एरिया आएगा वो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आई विल गेट द शेडेड एरिया। तो आप देखें ये राइट केस है जिसमें जो शेडेड पार्ट है वो राइट साइड पे, इसमें शेडेड पार्ट लेफ्ट साइड पे था। इस तरह से सेंटर केस भी है। सेंटर केस क्या है? मिसाल के तौर पर चलें, मैं पहले यहाँ पे सेंटर केस की बात कर लूँ, फिर विल मूव टू द प्रॉब्लम्स। केस 3 हमारे पास है जिसमें हम सेंटर की बात करेंगे, ठीक है, सेंटर केस। अब सेंटर केस क्या है? मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरह से है, ठीक है, कि अगर मुझे लेट्स सपोज इस रीजन से लेके और इस रीजन तक मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, इस रीजन तक एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये दिस इज सेंटर केस। ना ये राइट है ना ये लेफ्ट है, तो मैं क्या करूँगा? देखें, दिस इज द वैल्यू, लेट्स सपोज ये जी की वैल्यू यहाँ पे जो है वो ए है, और या चलें यहाँ पे वैल्यू ए है, यहाँ पे बी है। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले बिकॉज मैं इस टोटल एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, जिसको मैं अगर यहाँ पे वाइट कलर में शो कर दूँ, ठीक है, बिकॉज अगर मैं बी की वैल्यू देखता हूँ तो ये एक इंटरवल है जो कि एक्सिस यू नो जिसमें माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से लेके बी तक, तो ये मेरे पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। इस एरिया में से माइनस इन्फिनिटी से अगेन जो है वो ए तक अगर मैं एरिया ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ज़ाहिर है पीछे मेरे पास ये वाला एरिया रह जाएगा, जिसको अगेन मैं अगर यहाँ पे ब्लैक कर दूँ तो यू वुड सी कि ये एरिया मेरे पास, यानी ब्लैक लाइन में यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एरिया मेरे पास जो है वो आ जाएगा। तो दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, ठीक है। हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर देखते हैं कि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जो हमारे पास टैबुलेटेड फॉर्म ऑफ जी है या जी टेबल है उनके थ्रू किस तरह से सॉल्व करते हैं।